हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती की पूरी डिटेल्स। दरअसल सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2017 18 जून से 6 जुलाई तक आयोजित कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPSC ने बुधवार को कार्यक्रम की घोषणा कर दी है कि समय सारणी परिवर्तन के अधीन हो सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले 17 मार्च को होने वाली परीक्षाओं को विभिन्न कारणों से दो बार स्थगित कर दिया गया है। आधिकारिक तौर पर कंबाइंड स्टेट अपर सबॉर्डिनेट सर्विसेज के रूप में जाना जाने वाला परीक्षा तीन चरणों यानी कि प्राथमिक, मुख्य और साक्षात्कार में आयोजित की जाती है। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार उप्र लोक सेवा आयोग के विभिन्न विभागों में 1100 सीधी भर्तियाँ, आवेदन अधिक हुए तो स्क्रीनिंग परीक्षा भी हो सकती है। आवेदन 18 मई से 18 जून 2000 तक लिए जाएंगे। अगर आप इस UPSC भर्ती 2018 के लिए इच्छुक हैं तो आप भी आवेदन करने की तय सीमा जो कि है 18 जून 2018 उससे पहले पहले आवेदन कर सकते हैं। और आइए अब आपको इस सिविल सेवा परीक्षा 2018 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दे देते हैं। प्रदेश सरकार के कुल 14 विभागों में 1100 पदों पर चयन होना है। पोस्ट का नाम है आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी और यहां पदों की कुल संख्या है 544। तो वहीं होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के लिए कुल 494 पद हैं। अब बात आती है स्वैच्छिक योग्यता। इसकी विस्तृत जानकारी आप कॉरपोरेशन की ओर से जारी किए गए आधिकारिक नोटिफिकेशन को पढ़कर जान सकते हैं। और आइए अब आ जाते हैं आवेदन शुल्क पर। तो UR OBC के लिए 105 रुपये हैं, SC और ST के लिए 65 रुपये हैं, PWD के लिए केवल और केवल 25 रुपये। ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा। बात करें अगर चयन प्रक्रिया की, तो जिन भी अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है उनका चयन व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर होगा और चयन के पश्चात आपका नौकरी स्थान होगा उत्तर प्रदेश। इसीलिए जो भी उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी करने के लिए इच्छुक हैं केवल वो ही आवेदन करें। अब बात आती है UPSC रिक्ति के लिए आपको आवेदन किस प्रकार से करना है। तो सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार पंजीकरण UPSC भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और यहां से ऑनलाइन आवेदन करें। ध्यान रहे कि आवेदन 18 जून 2018 तक ही स्वीकार किए जाएंगे, इसलिए अगर आप भी इच्छुक हैं तो जल्द से जल्द आवेदन कर दें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन ऐसे ही और अन्य भर्तियों की जानकारी हासिल करते रहने के लिए सब्सक्राइब करना होगा आपको हमारा चैनल।